कोरोना महामारी में जब अपने भी अपनों के काम नहीं आ रहे हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में भोपाल के कुछ युवा डॉक्टर्स ने जरूरतमंदों की मदद के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला है। दरअसल भोपाल के डॉक्टर विपिन तिवारी और उनकी टीम ने जरूरतमंद मरीजों को फ्री दवाइयां उपलब्ध कराने के मकसद से मेडिसिन बैंक तैयार किया है। इस मेडिसिन बैंक के जरिए डॉक्टर विपिन और उनकी टीम ठीक हुए मरीजों से बची हुई दवाइयां लेकर जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाते हैं और मरीजों की जान बचाते हैं। भोपाल के कुछ डॉक्टरों ने दवाइयों को सही हाथों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। बताया जाता है कि इस मेडिसिन बैंक की शुरुआत तब हुई जब भोपाल के डॉक्टर विपिन तिवारी ने कई मरीजों को पैसों के अभाव में दवाइयों के लिए भटकते हुए देखा। उसी दौरान उनके मन में जरूरतमंदों की मदद करने का ख्याल आया। इसके बाद डॉक्टर विपिन ने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा मेडिसिन बैंक। इस बैंक के शुरू होते ही लोगों से बची हुई दवाओं को फेंकने की बजाय मेडिसिन बैंक को डोनेट करने की अपील की गई। इस सार्थक अभियान से धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों की भी दवाइयां लोगों को निःशुल्क मिल रही हैं। कोरोना की वजह से ग्रसित है और जब कोरोना पूरी पीक समय में था तो मैं देखा लोगों को कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दवाइयों की और लोग इवन अपना घर सोना और ज़मीन बेच बेच कर दवाइयां क्या है ख़रीद रहे थे। तो उसी को सोचकर मैं ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए कि लोगों की मदद की जा सकती है उसमें जो लोग ठीक बैंक की दवाइयां किस तरह से लेते हैं। जो लोग ठीक होके मतलब चले जाते हैं कोरोना में तो उनकी दवाइयां बच जाती है, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो दवाइयां बच जाती हैं तो वो हमको दान करें और जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं वहाँ तक हम ये दवाइयाँ पहुँचाते हैं। उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मतलब वो हम सर्कुलर करते हैं और जाके देखते हैं कि हाँ कौन ज़रूरतमंद है, नहीं तो ऐसे में तो हर कोई कहेगा कि हाँ हमको दवाइयाँ दे दीजिए। तो हम जाके वो पहले देखते हैं कि हाँ वो ज़रूरतमंद है या नहीं है, जो ज़रूरतमंद होते हैं तो उनको हम दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारा मेडिसिन बैंक है तो उसमें अभी तक फ़िलहाल 7 से 8 डॉक्टर जुड़े हुए हैं और आगे भी लोग कह रहे हैं और डॉक्टर मतलब आगे आ रहे हैं कि हम भी साथ में जुड़ेंगे। आप लोग ये पहले काफ़ी अच्छी कैसे भी बाकी लोग की संस्थाओं ने आगे हाथ बढ़ाया हैं आपसे। हाँ अभी कुछ हैं संस्थाएं जो चर्चा की हैं और बोल रहे हैं कि आप आगे कीजिए, हम हर स्तर पर आपकी मदद करेंगे और आगे आने को तैयार हैं। अभी शुरुआत तो हम भोपाल से किए हैं, भोपाल राजधानी से किए हैं, आगे जैसे सहयोग मिलता है जैसे जैसे मतलब वो हमको लगता है तो हम आगे भी जाके मतलब आगे आएंगे। अब मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस मेडिसिन बैंक की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस समय बहुत जरूरत है कि हम हर आयाम में सेवा करें। मंत्री सारंग की माने तो उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता है और खुशी है कि कुछ डॉक्टर्स ने इस मेडिसिन बैंक की शुरुआत की है और उसके जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इस समय समाज में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर आयाम पर सेवा करें और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल के कुछ डॉक्टर्स ने एक मेडिसिन का बैंक बनाया है और वो दवाइयां जो घर में बहुत सारे मरीजों के साथ पास बच जाती हैं कुछ समय बाद हम उसको फेंक देते हैं जबकि उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आती, उसको बैंक बनाकर जिनको इसकी ज़रूरत है उसको उपलब्ध वो करा रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है और मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। यह मेडिसिन बैंक आज जरूरतमंदों के लिए दवाइयां जुटाने का नेक काम कर रहा है। इस नेक कार्य से दवाओं के अभाव के चलते बीमारी से जूझ रहे निर्धन लोगों को एक राहत की उम्मीद नजर आ रही है। साथ ही युवाओं के सहयोग से बने इस मेडिसिन बैंक के सार्थक प्रयास के लोग दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। खबर अपडेट के लिए भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।